हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सिक्स वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सिक्स वीडियो में प्रश्नावली फाइव पे और क्वेश्चन नंबर है 39। कह रहा है एक थैले में चार सफेद, छह लाल, सात काली तथा तीन नीली गेंदे हैं। थैले से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाली गई गेंद सफेद है, काली नहीं है, ना तो सफेद ना काली है, लाल है या सफेद है। ये चार हमारे पास इसमें क्वेश्चन दिए गए। तो पहले लिख लेते हैं कितने कितने कौन से गेंद दिए गए हैं। तो पहले लिखेंगे सफेद गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या। तो सफेद कितने गेंद है, चार है, ठीक है। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, तो लाल कितने गेंद है आपके पास, छह है। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या सात है। अब नीली है, नीली गेंदों की संख्या तो आपके पास तीन है। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या चार प्लस छह प्लस सात प्लस बीस आ जाएगा सब जोड़ के। फॉर्मूला लिखेंगे किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है। लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले में कह रहा है कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो सफेद गेंद कितना है पहले देख लीजिए, चार गो है और बटा में टोटल आपकी बीस गो, कट जाएगा एक बटा में पांच। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है काली नहीं हो, काली नहीं हो, गेंद जो है आपकी काली नहीं होनी चाहिए, काली नहीं हो, गेंद जो है काली नहीं है, यदि दिशा निकाले पे काली नहीं है। तो काली नहीं है इसका मतलब कि वह सफेद, लाल या नीली हो सकती है। तो आपका इन तीनों को जोड़कर तेरह आ जाएगा और बटा में बीस। फिर क्या कर रहा है, ना तो सफेद ना ही काली, लेकिन ना तो काली ही है और ना ही सफेद है, ना सफेद है ना ही काली है, यानी कि या तो लाल होगी या नीली होगी। तो छह तीन नौ हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, लाल और नीली को। तो यहां पर लिख देंगे तीन नंबर में क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है ना तो सफेद और ना काली, यानी कि आ जाएगा नौ बटा में बीस। चार नंबर इसका क्वेश्चन देखिए, चार नंबर में क्या कह रहा है कि लाल या सफेद कैसी है, लाल गेंद है या सफेद है, लाल है या सफेद है। तो लाल देखो और सफेद देखो, ये दोनों मिला के दस हो जाएंगे और बटा में टोटल बीस, एक बटा दो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए, सबकी प्रायिकता निकल गई ना। अगला क्वेश्चन